नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने माचिस ले लिया है। अक्सर क्या होता है कि माचिस जब भी खाली हो जाता है तो हम माचिस को फेंक देते हैं। तो देखिए, माचिस को ना फेंके इसके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ रहता है। इसको हम चलिए काट लेते हैं। तो चलिए, इसको हम 20 सेंटर से अच्छी तरह, आप बहुत इजीली तरीके से कट जाता है। ये देखिए, हमने इसको काट लिया है और काटने के बाद देखिए, हमने बीच में से निकाल दिया है। दोबारा उसी में हम इसको लगा देंगे। और इसको करना क्या है, इसमें मुझे शॉर्पनर रख देना है और बच्चे को बता देना है इस तरह की इस पिटे इसी में छीलना। तो बच्चे इसी में ही छीलेंगे और कहीं घर में कूड़ा भी नहीं करेंगे, बिस्तर पर कूड़ा नहीं करेंगे। बहुत इजीली तरीके से इसमें छीलेंगे और पेंसिल का छिलक भी इसी में ही रहेगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो देखिए दोस्तों, है ना ये कमाल का आइडिया। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा। तो देखिए, मैं छिल के दिखा भी रही हूँ, पेंसिल छिला चुका है। देखिए, इसका छिलक इसी में ही रहेगा। तो देखिए, बिल्कुल छिलका इसका बाहर नहीं निकला है पेंसिल का। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी इजीली तरीके से इसमें छिल जा रहा है और छिलक भी इसी में ही है। तो क्यों ना इस तरह की ट्रिक हम अपनाएं और बच्चों को दें, बच्चे इसी में छिलक पेंसिल के सेफ्टी रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा ये है मिक्सी का। ये जो हम पीसते हैं मिक्सी का तार जो है, मिक्सी हम यूज करने के बाद तार को अक्सर क्या होता है, हम इस तरह इसको लपेट के फंसा देते हैं। तो देखिए, फंसा तो देते हैं लेकिन ये जब ढीला होता है ना तो सारे तार इस तरह बिखर जाते हैं। तो देखिए, इस तरह आपके पास अगर कोई चिमटी है तो इसको आप लगा दीजिए, नहीं अगर बाल का क्लेचर है तो उसको भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए, कपड़े वाला भी चिमटी है, इसको भी लगा दीजिए। तो इस तरह अगर आप लगा देंगे, कितने भी मिक्सी को उठा के यहाँ वहाँ रखेंगे, आपकी मिक्सी का तार बिल्कुल बिखरेगा नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट आइडिया मेरा ये है फेविकोल का। ये जो डिब्बा बच्चे लाते हैं तो इसको यूज करने के बाद इसको फेंक देते हैं, तो ये उनके लिए तो कोई काम का नहीं होता लेकिन हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो देखिए, क्यों ना हम इसको यूज करें। तो देखिए, हमने इसमें मशीन का तेल डाल लिया है और इसको तेल डालने के बाद देखिए, इसको आप कहीं भी इसको ऑयलिंग कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ऑयलिंग करना है, मशीन हो गया, साइकिल हो गया, और इसको जहाँ भी आपको ऑयलिंग करना है, इस तरह देखिए किप का काम कर रहा है। बिल्कुल जैसे हमारे मशीन का किप होता है ना, बिल्कुल वही काम कर रहा है किप का ये। तो देखिए, बिल्कुल ये मैंने इसमें तेल डाल लिया है। अब बिल्कुल ये इसमें जहाँ जहाँ आपको ऑयलिंग करना है, इसको देखिए बहुत इजीली तरीके से किप का बिल्कुल काम कर रहा है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखिए, मशीन के जितने पार्ट्स हैं हम इसी से सारे ऑयलिंग करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ही ऑयलिंग हो चुकी है मशीन में, जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह मैं तेल लगा दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, ऊपर भी हम मशीन को पलट लिए हैं, तो देखिए जहाँ भी तेल देने के पार्ट्स हैं हम वहाँ पे भी तेल डाल देंगे। तो देखिए, नेक्स्ट आइडिया मेरा ये है। तो देखिए, उसी किप से ये तो क्या है ना कि जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि दरवाजे में से भी कभी हम खोलते हैं तो दरवाजे में से भी आवाज़ आता है, बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती है। तो ये किप हमारे बहुत काम का है। तो इसमें हम तेल, अगर सरसों के भी तेल भर लेंगे इसमें, तो सरसों का भी तेल इसमें कब्जे में भी लगा सकते हैं, दरवाजे के कब्जे में लगा सकते हैं और खिड़की के भी कब्जे में आप लगा सकते हैं तेल, बिल्कुल दरवाजे में से आवाज़ नहीं आएगा। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का आइडिया। एक बार ये ट्रिक आप, अगर आपके पास ऐसी बोतलें हैं तो ज़रूर अपनाइए। तो देखिए, खिड़की में भी है इस तरह, आवाज़ खोलो तो कभी टाइट खुलता है, बिल्कुल खुलता ही नहीं है। तो इस तरह की ट्रिक आप ज़रूर आजमाइए, इसमें तेल लगाइए और बिल्कुल आपका बहुत ही इजी और सरल हो जाएगा, बिल्कुल दरवाजे में से आवाज़ नहीं आएगा। ये बिल्कुल किप का काम करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रा से पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगली ट्रिक है मेरी, देखिए ये चूड़ी से है, तो ये देखिए मेरी सिप की चूड़ी है। तो अक्सर क्या होता है, सिप की चूड़ी या कड़े हो जाते हैं, इस तरह टूट जाते हैं तो हार्ड होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ से चटक तो जाते हैं पर ये जल्दी टूटते नहीं हैं। तो इसको हम फेंके ना, देखिए ये जो हम चाबियाँ यूज नहीं करते हैं तो क्यों ना हम इस तरह ये चूड़ी में ही डाल के इस तरह हम इसको एक जगह कहीं ऐसी जगह लटका दें कि देखने में भी अच्छा लगे और सेफ्टी भी पड़ा रहे। तो देखिए इस तरह हम चूड़ी में लगा के इस तरह कहीं भी आपके पास हैंगर है तो उसको सेफ्टी लटका दीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब भी आप इसको उतार लीजिए, और सेफ्टी का सेफ्टी भी है और देखने में भी अच्छा। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए नेक्स्ट आइडिया मेरा, ये तेल जो हम यूज़ करते हैं पैकेट का, ये खाली हो जाता है तो हम इसको अक्सर पैकेट फेंक देते हैं, यूज करते नहीं हैं। तो चलिए आज हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए हम पैकेट को दोनों साइड से हम इसको काट लेते हैं कैंची से, और इसको देखिए दोनों तरफ से हम काट लेते हैं, और काटने के बाद देखिए हम इसको क्या है, आटा ले रखा है हमने, और जितना भी देखिए पैकेट में ऑयल लगा हुआ है ना, जितना भी है हम आटे में, इसको देखिए कितना तेल इसमें है। तो चलिए आटे में अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अगर आटे में आप ये पन्नी को अच्छी तरह लगा लेंगे, जितनी भी ऑयल है ना, आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही मुलायम। अगर आप पूरी की भी आटा लगा रहे तब भी इस तरह आप पन्नी को फेंके ना, इसमें जितने भी ऑयल है अच्छी तरह आटे में लगा लीजिए। तो देखिए आटा भी आपका सॉफ्ट हो जाएगा और जब भी आप रोटी बनाएंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। देखिए हम रोटी भी बना के दिखा रहे हैं आपको, मैंने रोटी भी बना के डाल दिया है तवे पे, तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कितनी सफ़ेद रोटी बनी है। अब मुलायम का तो आप पूछिए मत, बहुत ही मुलायम बना है, क्योंकि पन्नी में जितना तेल था मैंने अच्छी तरह आटे में मिक्स कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल फुली फुली रोटी बन के तैयार हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो देखिए नेक्स्ट आइडिया मेरा ये सूजी है। तो सूजी क्या होता है, अक्सर हम इसको खोल तो लेते हैं लेकिन इसको हम अगर कोई डिब्बा नहीं रहता है तो हम उसमें डालते भी नहीं है, ये खुला ही रहता है। तो इसको खोल के ना रखें, अगर खोल के रखते हैं तो इसमें जाली कीड़े इसमें लगने के डर रहते हैं, तो ये हमारा सूजी हो गया ख़राब इस तरह। तो इसको ख़राब ना करें, तो देखिए हमने इस तरह स्केल लगा लिया है, और आप गैस जला लीजिए, इसको इसी तरह अच्छी तरह पकड़ लीजिए तेज़ी से। तो देखिए गैस आप हाई करके, हाई फ्लेम थोड़ा इसको हम इस तरह करेंगे ना, तो क्या है ना यहाँ पे बिल्कुल सील हो जाएगा अच्छी तरह। देखिए देखिए आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह, जैसे हम नया लेते हैं ना पैकिंग, बिल्कुल यहाँ से पैक हो चुका है, इसमें हवा नहीं जाएगी और नमी नहीं जाएगा। तो देखिए ये पूरा बिल्कुल हमारा इस तरह बिल्कुल पैक हो चुका है, ये हमारा ख़राब नहीं होगा बिल्कुल, ये सूजी दोबारा ये पैकेट में पैक हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आज की आप सबको पसंद आया होगा। अगर ज़रा से वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।